Hello everyone, welcome to Anjana's kitchen. Today we are learning basic technique of icing. Whipping cream से icing बनाना बहुत ही आसान है. मैंने अलग से इसके लिए वीडियो बना रखा है, आपको अगर चाहिए तो description box में उसका link मिल जाएगा. तो चलिए start करते हैं. मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 inch का chocolate cake. इसकी recipe का link भी आपको description box में मिल जाएगा. सबसे पहले हम अपनी केक को बीच में से डिवाइड कर देंगे. हमारा केक बहुत ही स्पंजी और मॉइस्ट है. अगर आपको अपना केक ड्राई लगे तो इस जगह पे आप शुगर सिरप बना के इस पर स्प्रेड कर सकते हैं. यहाँ पर हम अच्छी क्वांटिटी में अपनी आइसिंग लेंगे और एक जैसा इसको स्प्रेड कर देंगे. आइसिंग को स्प्रेड करने के लिए स्पैचुला का यूज़ करेंगे, जिससे काम बहुत ही आसान हो जाता है. ये आइसिंग हमारी मिडिल लेयर होगी, इसलिए इसको ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इवनली स्प्रेड होनी चाहिए. इसके बाद हम केक की दूसरी लेयर को अच्छे से इसके ऊपर रख देंगे केयरफुली. यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारे केक का अलाइनमेंट ठीक हो. बस अब हम इस केक को आइसिंग से कवर कर देंगे. तो खूब सारी आइसिंग इसके ऊपर डालिए और उसी तरह स्पैचुला से इसको स्प्रेड कर दीजिए. आइसिंग करते समय दो बातों का तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए. एक तो ये कि आपका केक जो है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जिस जगह पर आप आइसिंग कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर भी कम होना चाहिए. जैसे कि किचन में आपने कुकिंग या बेकिंग की है और किचन का टेम्परेचर हाई है, तो ऐसी जगह पर आप आइसिंग ना करें. इनिशियली केक को स्मूथ करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, और साइड्स को क्लीन करने में तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है. लेकिन डरिए मत, प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाता है. ये हम जिगजैग वाला स्मूदर यूज़ करेंगे और इससे थोड़ा सा काम इजी हो जाता है. जिगजैग स्केल को डायगनली केक के साइड में रखेंगे और टर्निंग टेबल को स्मूदली सर्कल में घुमाएंगे, और जब तक घुमाएंगे जब तक पूरा सर्कल कंप्लीट ना हो जाए, तो इससे परफेक्ट लाइंस आ जाएंगी. ये हमारा केक का बेस रेडी है. अब आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के हिसाब से आप जो चाहे इस पर डिज़ाइन बनाएं. मैंने यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट लेके इसको डिज़ाइन करने की ट्राई की है. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी अगली बार मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.